1, 2, 3, come on! कर लूँगी जिसके लिए मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे काजल का यूज किया है मास्क बनाने के लिए, कुछ इस तरह से मास्क बना लेंगे। जिसके लिए मैंने मैबलिन का कलरफुल काजल लिया है। देन मैं अपने पैलेट से ये ब्लैक आई शेडो लेकर ब्लैक जगहों को फिल कर लूँगी अच्छी तरह से। नेक्स्ट मैं ब्राउन आई शेडो लेकर कुछ मास्क को इस तरह से करते जाऊँगी जिससे लगे कि मतलब हमने रियल मास्क वेयर किया है। तो शैडो टाइप बना लेना है, इस तरह से बना लूँगी। नेक्स्ट मैं आई मेकअप के लिए ये पिंक कलर लेकर अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से प्लेस करना है और इनर कॉर्नर तक जाना है। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ये ब्लू कलर लेकर अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। और देन मैं ग्रीन कलर लेकर अपने मिडल लिड पर अप्लाई कर लेंगे। देन मैं गोल्डन आई शैडो लेकर अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लैक्मे का ये लाइनर लिया है जिससे अपनी ग्रीन आई लाइनर बना लेंगे कुछ इस तरह से। और अपने लोअर अटर लाइन पर भी आई लाइनर को कुछ इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। मैंने अप्लाई कर लिया है और सेम पैलेट से ये ब्लू कलर लेकर अपने लोअर वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लैक्मे का सेम मास्कारा यूज कर लिया है। और तो नेक्स्ट मैं अपने सेम पैलेट से हाइलाइटर शेड लेकर कुछ इस तरह से अब हाइलाइट कर लूँगी अपने आईज के ऊपर। नेक्स्ट मैंने फाउंडेशन के लिए ब्लू हेवन का फाउंडेशन लिया है। इसे डॉटेड फॉर्म में अपने जहाँ तक मास्क बनाया है में अप्लाई करेंगे डॉटेड फॉर्म में। और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मास्क को ध्यान रखते हुए कुछ अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसे सेट करने के लिए मैंने लैक्मे का लूज पाउडर लिया है। एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से इसे सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एडियस का ये रेड लिपस्टिक लिया है, इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। और सेम पैलेट से मैंने हाई ब्लशर लिया है और अपने जहाँ तक मैंने मास्क बनाया है वन साइड फेस पर कुछ इस तरह से ब्लशर अप्लाई कर लूँगी। और मेरे सेम पैलेट में हाइलाइटर शेड है उससे लेकर अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी फिंगर की हेल्प से। और ये है मेरा मास्क रेडी हो चुका है, ये फाइनल लुक ये रहा। और मैंने फॉल्सेस लगाया अप्लाई कर लिया है, ये मेरा फाइनल लुक। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।